हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक सैक्युलेंट्स की फ्लावर प्लांट शेयर करेंगे, जिनमें बहुत खूबसूरत फ्लावर खिलते हैं इस टाइम। और मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है और कुछ अभी होना बाकी है। ये जितने भी सैक्युलेंट्स हैं फ्रेंड्स, बहुत ही हार्डी होने के साथ साथ इनके जब फ्लावर खिलते हैं इस समर सीजन में, तो कम से कम 1 मंथ तक इनके फ्लावर खिले रहते हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स में फ्लावर जो ये खिल रहे हैं फ्रेंड्स, इसी फ्लावर से बेबी प्लांट ग्रो हो जाते हैं, तो उनके नेम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और पिक्चर भी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, और चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो ये पहला जो प्लांट है ये अचेवेरिया की एक वैरायटी है, जिसे एलिगेंस से कहते हैं। और इस पॉट में लगे हुए 3 साल हो गया ये प्लांट, और 8 इंच के हैंगिंग बास्केट में ये लगा हुआ है। और पूरे साल भर फ्रेंड्स 12 महीने और 3 साल से यहीं पर है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो सबसे पहले इनकी फ्लावर्स आप देखिए। प्लांट तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं सैक्युलेंट्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो उससे खूबसूरत इनकी फ्लावर्स जब खिलते हैं तो देखने में लगते हैं। और इस तरीके से इनमें से स्टिक निकलती है, एक ये देखिए कुछ इस तरीके से स्टिक निकलती है, और यहीं से इनके फ्लावर से बनते हैं। और खिले हुए फ्रेंड्स 1 मंथ तक ऐसे ही खिले रहते हैं, जल्दी से इनके फ्लावर से ख़राब नहीं होते, और यहीं से इनके बेबी प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। अगर आप सैक्युलेंट्स के शौकीन हैं और आपके पास सैक्युलेंट्स ख़राब हो जाते हैं, तो इस सैक्युलेंट्स को आप आराम से लगा सकते हैं। बहुत आराम से गर्मी में ये सैक्युलेंट्स सर्वाइव करते हैं। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स सैक्युलेंट्स का, इतना हार्डी ये प्लांट है, इसे क्लैंचो मरियाना कहते हैं या पत्थर चट्टा भी कह सकते हैं। इतना हार्डी सैक्युलेंट्स होते हैं फ्रेंड्स कि गर्मी में अगर आपने इसकी कटिंग की और 2-3 दिन तक अगर बिना सॉइल बिना पानी के बाहर भी रख दिया आपने तेज़ धूप में, तो भी ये सैक्युलेंट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इतना हार्डी होता है। इनडोर आउटडोर दोनों साइड ये प्लांट्स चलते हैं। और इस टाइम इनके फ्लावर्स आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस प्लांट को सिंगल लीफ से और कटिंग से बहुत आराम से किसी भी टाइम आप ग्रो कर सकते हैं, तो इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसे स्ट्रिंग ऑफ टीयर से कहते हैं। कुछ दिन पहले तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में फ्लावरिंग हो रही थी, और अभी एक ओनली सिंगल ही फ्लावर खिल रहे हैं इसमें, लेकिन बहुत सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं। और इसके फ्लावर इतनी खूबसूरत है, ये देखिए छोटा सा वाइट कलर का फ्लावर और उसमें रेड कलर के छोटे छोटे से दूसरे फ्लावर से खिल रहे हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और इनके फ्लावर खिले हुए हैं, आज 1 वीक हो गया और अभी भी देखिए फ्लावर कितना सुंदर तरीके से खिला हुआ है। ये जो चौड़ी चौड़ी पत्तों वाली और मोटी मोटी सी सैक्युलेंट से है फ्रेंड्स, इसे पचीफ आइटम कहते हैं। इतना खूबसूरत ये सैक्युलेंट से देखिए 2 स्टिक निकला है, और दोनों में अभी फ्लावर पूरी तरीके से खिला नहीं है, तो मतलब इनकी जो टाइम रहती है फ्रेंड्स ऐसी कलियाँ बनने के बाद जो फ्लावर से खिले रहते हैं वो कम से कम 2 मंथ तक इनके खिले रहते हैं। और इनकी गोल गोल पत्तियाँ इतनी खूबसूरत लगते हैं। इनके फ्लावर का जो कलर होता है फ्रेंड्स वो पिंक कलर होता है, और हर साल मेरे गार्डन में इनके फ्लावर से ज़रूर खिलता है। सिंगल लीफ से इस प्लांट को बहुत आराम से हम ग्रो कर सकते हैं। आगे जो ये सैक्युलेंट्स है, इतना हार्डी सैक्युलेंट्स है फ्रेंड्स, इसे धूप की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा मात्रा में इसे धूप मिलती है उतनी ही मात्रा में ये प्लांट फ्लावरिंग करती है। इसे यूफोर्बिया मिली कहते हैं, और इस प्लांट की अनगिनत वैरायटी होती है। फ्लावर का कलर भी बेहद ही खूबसूरत होते हैं फ्रेंड्स। अगर किसी के पास टाइम नहीं है और पूरे साल भर फ्लावरिंग चाहिए, केयर करने के लिए भी टाइम नहीं है, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये देखिए यहाँ ऊपर मैंने एक ही पॉट में 2 कलर लगा रखा है, और दोनों की वैरायटी अलग है। तो कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स मैं 15-20 डेज भी इसमें पानी नहीं देती हूँ, फिर भी ये प्लांट बहुत ही आराम से सर्वाइव भी करती है और फ्लावरिंग भी करती है। कटिंग से बहुत आराम से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। ये एक ऐसा सैक्युलेंट्स है फ्रेंड्स, हर किसी के गार्डन में होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये सैक्युलेंट्स फैमिली से बिलोंग करता है। इसे पर्पल हार्ट कहते हैं। फ्लावरिंग करने वाला एक सैक्युलेंट्स है, और इतना हार्डी सैक्युलेंट्स है फ्रेंड्स, जो कटिंग से आराम से पूरे साल भर ग्रो हो जाता है। बहुत ही कम पानी की इस प्लांट को ज़रूरत होती है।
और ये देखिए ऊपर ये स्ट्रिंग अब बनाना है। और यहाँ पर मैंने जेरेनियम के पॉट में इसे दो कटिंग को मैंने लगा दिया था और दो कटिंग इतने तेज़ी से ग्रो हो गया ओनली इसी विंटर सीजन में, और इनमें फ्लावरिंग आना शुरू भी हो गया है। आगे जो बहुत खूबसूरत सा और एक हार्डी सैकुलेंट्स है और जिनके फ्लावर से बेबी प्लांटे भी ग्रो हो जाता है, इसे एचिवेरिया की एक वैरायटी और गैप्टोपेटेलियम कहते हैं। इनके ये कलियां बने हुए हैं फ्रेंड्स, अब 1 मंथ हो गया और अभी 1 मंथ में इनकी फूल खिले नहीं है, तो सोचिए 2 या 2.5 मंथ तक का इनका टाइम होता है। और ऐसे फ्लावर में से ऊपर की तरफ एक बहुत लंबी सी स्टिक होती है और स्टिक कम से कम 7 से 7.5 इंच तक की होती है। स्टार्टिंग में इनकी स्टिक जो 1 इंच तक होती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती रहती है। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसे हॉर्टिया कहते हैं। हॉर्टिया एक हार्डी सैक्युलेंट से कह सकते हैं फ्रेंड्स, जिसे पानी की और धूप की बहुत अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं कि ये छाई में नहीं चलेगी, छाई में जब ये रहती है फ्रेंड्स तो इसका कलर डार्क ग्रीन हो जाता है और फ्लावर कम खिलते हैं फिर, और इसी टाइम इनमें फ्लावर दिखने को मिलता है। और ऐसे लंबी सी एक स्टिक ऊपर की तरफ निकलती है इनकी, कम से कम 8 इंच तक की, और इनके फ्लावर अभी खिले नहीं है पूरी तरीके से। जब खिलते हैं तो वाइट कलर के इसमें से निकलते हैं, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है वाइट कलर का फ्लावर। और इस साइड एक सैकुलेंट से है, इनकी फ्लावर देखिए, फ्लावर तो सुंदर ही है और सैकुलेंट से कितना सुंदर लग रहा है। इनके फ्लावर खिले हुए फ्रेंड्स आज 25 डेज हो गए। और यहाँ पर दूसरा सैकुलेंट से है, तो इसमें से भी एक स्टिक ग्रो हुआ है। और ये देखिए नीचे कितने सारे बेबी प्लांट ग्रो हो गए, इनके लीव्स को बिखेर दिया था मैंने। ये भी बहुत ही हार्डी सैकुलेंट से होता है फ्रेंड्स, तेज धूप को और बारिश को बहुत आराम से ये बर्दाश्त कर लेते हैं। और इनकी कटिंग हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, इस टाइम भी अगर आपको मिल रहा है कोई प्लांट तो आप ग्रो कर सकते हैं। ये जो सैकुलेंट से फ्रेंड्स है, इसे सीडम ग्रास कहते हैं। तो अभी तो मेरी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन इसके फ्लावर से कुछ इस तरीके से होते हैं देखिए, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और ये प्लांट बहुत ही जल्दी से हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेता है और कटिंग से बहुत जल्दी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। पूरे साल भर ये प्लांट आराम से सर्वाइव करता है, तेज़ धूप और बारिश को आराम से झेल लेता है। और ये देखिए छोटा सा कटिंग मैंने यहाँ लगाया, कितना हेल्दी ये ग्रो हो गया है। ये जो सैकुलेंट से फ्रेंड्स है, इसे हर कोई जानता है और हर किसी के गार्डन में ये ज़रूर होता है। इसे क्लैंचो कहते हैं। क्लैंचो में फ्लावरिंग इतनी अधिक मात्रा में होती है फ्रेंड्स कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये प्लांट। और इस बार मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट मैंने ऐड किए, सारे मैंने कटिंग से ग्रो किया, एक भी मैंने नर्सरी से परचेस नहीं किया है। और कम से कम मैंने 6 से 7 कलर अपने गार्डन में ऐड किया है। और इस बार इतनी अधिक मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है, हर एक प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, कुछ में अभी हो नहीं रही है लेकिन आगे आने वाले दिनों में ज़रूर होगी। अगर आपके क्लांचो में अभी भी फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो अच्छी तरह गुड़ाई करके उसे धूप में रखिए। ये देखिए जैसे इसमें नहीं हो रही है तो मैंने धूप में रखा है। और कोई सी भी अच्छे फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कीजिए, कुछ ही दिनों में इसमें फ्लावरिंग आना 100% शुरू हो जाएगा। एलोवेरा एक ऐसा फ्लावर सैकुलेंट्स है फ्रेंड्स, जो एक से बहुत जल्दी अनेक प्लांट बन जाता है। हार्डी होने के साथ साथ फ्रेंड्स ये त्वचा की सुंदरता के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनकी पत्तियों को। और जो हम रूटिंग हार्मोन्स का यूज़ करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो इनकी जेल से बहुत आराम से प्लांट भी ग्रो हो जाता है। अगर आपके प्लांट में अभी भी फ्लावर नहीं खिल रहे तो उसे धूप में रखें, फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा। तो ये थे कुछ सैकुलेंट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग अभी हो रही है मेरे गार्डन में। और अभी बहुत सारे ऐसे सैकुलेंट्स हैं जिनमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।